हेलो एवरीवन, एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़के को ज़ॉम्बी से भागता हुआ देखते हैं। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जिसके लैपटॉप पे यही सीन चल रहा था। उस लड़के का नाम होता है अकीरा। हमें पता चलता है कि अकीरा अपने ऑफिस का काम करते करते बहुत ही थक चुका था। थोड़ी देर के बाद वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे अकीरा को उसका ड्रीम जॉब लग जाता है। वो अपने आप को दूसरे वर्कर के सामने इंट्रोड्यूस करता है। वो सारे वर्कर भी उसे देख के खुश थे और उसको हाई बोलते हैं। अकीरा सोचता है कि अब वो बड़े बड़े स्टार के साथ मिलकर मूवी प्रोड्यूस करने का काम करेगा। वहाँ का आदमी उसे उसका डेस्क दिखा देता है। तब उसे ऑफिस की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम ओतारी होता है वो उसे टकरा जाती है। उसको देख के अकीरा को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी उसके पेपर कलेक्ट करके उसको दे देता है। हमें पता चलता है कि वो तो उसकी सीनियर है। लड़की बोलती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो उन पेपर को कलेक्ट करने के लिए उसे थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। लंबे समय तक काम करने के बाद वो लोग अकीरा के फर्स्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। सब लोग यहाँ पे उसकी पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे थे, मगर अकीरा का ध्यान तो सिर्फ ओतारू पे होता है। वो उसकी तरफ देखता है। ओतारू भी उसकी तरफ देख के जूसी लाती है। जब ओतारू अपने बाल को साइड में कर रही थी, तब ओतारू सोचता है कि वो कितनी क्यूट है। वो कसम खाता है कि उसको इम्प्रेस करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करेगा। सब लोग पार्टी खत्म होने के बाद वहाँ से जाने लगते हैं। तब अकारी बोलता है कि आने के लिए शुक्रिया। वो बताते हैं कि हम काम करने जा रहे हैं, अभी तो रात के 2 बज रहे हैं। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो भी काम करने आ जाता है। हारुटो सोचता है कि ये तो मेरा पहला दिन है और मेरी हालत तो पहले ही दिन खराब हो रही है। वो अपने रिपोर्ट को खत्म करने में पूरा रात लगा देता है। अगला दिन हो जाता है और सारे वर्कर उसे आके गुड मॉर्निंग बोलते हैं और वो भी उठ जाता है और सोचता है कि आज तो मैं घर ही नहीं गया। फिर वो वहीं काम करने लग जाता है। आज भी उसे काम करते करते रात हो जाती है। उसे ऐसे ही काम करते करते 1 हफ्ते बीत जाते हैं। अकीरा फाइनली अपने घर थक हार के आ जाता है और वो सीधा आके अपने बिस्तर में लेट जाता है। सोते वक्त उसे एहसास होता है कि वो एक जापान की सबसे बढ़िया कंपनी में काम कर रहा है। टाइम बीत जाता है, उसका अलार्म बजने लगता है। वो उस अलार्म को बंद करके सोने का सोचता है। फिर वो अपने आप को संभाल के उठ जाता है। फिर वो खुद को मोटिवेट करता है कि ये मेरा ड्रीम जॉब है जिसको पाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी पढ़ाई किया था। मैं दिखा दूंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। हमें पता चलता है कि अगर इस कंपनी में किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो उसे यहाँ पैसा देके छुट्टी लेना पड़ता है। हमें उन एम्प्लॉय के आंख के डार्क सर्कल को देखने से पता चलता है कि वो लोग वहाँ पे दिन रात काम करते हैं और रात को खाना खा के वहीं पे सो जाते थे। अगर किसी ने अपना पूरा काम नहीं किया तो कंपनी उसकी तनख्वाह काट लेती थी। तब हम उसके मैनेजर को देखते हैं जो एक उसकी एम्प्लॉय पर काफी ज्यादा प्यार दिखा रहा था। तभी वो एम्प्लॉय इस प्यार को बर्दाश्त ना करके वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि उसका मैनेजर एक दरिया दिल वाला इंसान था और व्यूअर उसे तुम सच्ची में दरिया दिल वाला मत समझना, वो लड़की के ऊपर चिल्ला रहा था। फिर हम कुछ एम्प्लॉय को नींद ना लगने की दवाई पीते हुए देखते हैं। 2 साल गुजर जाते हैं, अकीरा काम कर रहा होता है। तभी वो अपने शरीर को सूंघने लगता है, उसे तो याद भी नहीं होता कि उसने कब नहाया था। तभी उसका मैनेजर आके बोलता है कि उनका एक एम्प्लॉय चला गया है, इसीलिए तुम्हें इस काम को 1 हफ्ते के अंदर करना पड़ेगा, बोल के चला जाता है। उसके पास ओतारू आके उसे पूछती है कि क्या तुमने खाना खाया। वो कुछ बताने लगी रहा था, तभी उसके बॉस उसको कैबिन के अंदर बुलाते हैं। ओतारू भी उसको बाद में बात करेंगे बोल के चली जाती है। हमें पता चलता है कि उसका बॉस उसके साथ कुछ गलत कर रहा था। मुझे ही नहीं, इसे भी पता था, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा। ये क्या करेगा, जो करना था वो तो उसके बॉस ने कर दिया। वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अभी भी इस कंपनी में क्यों काम कर रहा हूं। वो थक हार के अपने घर जाने लगता है। रास्ते में उसे ध्यान ही नहीं होता कि वो कब जेब्रा क्रॉसिंग को पार करे, वो बस चलता ही रहता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या उसे इस जॉब को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो इस जॉब से बिल्कुल परेशान हो चुका था और वो जैसे तैसे करके इससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर वो अभी ऐसा कुछ नहीं करता। फिर वो अपने ऑफिस में काम करने के लिए चला जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं। यहाँ उसके डायरेक्टर उसके रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, मगर वो बताते हैं कि उसका रिपोर्ट गलत है। वो उसे रीचेक और फिर बनाने के लिए बोलते हैं। अकीरा बोलता है कि मगर मैंने तो इसे 5 बार रीचेक किया था। उसका बॉस बताता है कि ये रिपोर्ट तो किसी और की कंपनी का जैसा लग रहा है। अकीरा बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और आज ही मैं एक नया रिपोर्ट बनाऊंगा बोलता है। फिर वो अपने रिपोर्ट के बारे में सोचने लगता है। तभी हम उसके पीछे देखते हैं, एक वर्कर उस मैनेजर को उसके सुपीरियर उसके साथ हैरेसमेंट करते हैं बोलती है, मगर वो मैनेजर उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे ही दोषी ठहराता है। अकारी को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था। अकारी के सामने से एक ट्रेन जा रही थी, मगर उसका ध्यान कहीं और था। तभी सीन कट हो जाता है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो बेहोश हो जाता है। ये सीन वही होता है जिसने हमने एनिमे के स्टार्ट में देखा था। अकारी उठता है और बोलता है कि मुझे ऑफिस नहीं जाना बोल के ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो दरवाजा लगा रहा था तभी उसको फैक्स आता है, जहाँ उसने अपनी बाइक की पार्किंग के पैसे देना भूल चुका होता है। फिर वो पैसे देने के लिए उस मैनेजर के पास चला जाता है। वो खिड़की में नॉक करता है, मगर यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो सोचता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, इसीलिए वो सीधा अंदर चला जाता है। वो वहाँ पे देखता है कि उस मैनेजर की बॉडी को तो एक ज़ॉम्बीज खा रहा था। तब उसे वो ज़ॉम्बीज कलरफुल दिखने लग जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज उसके ऊपर तुरंत अटैक कर देता है, मगर वो उनसे बच के भागने लग जाता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है, ये तो ज़ॉम्बीज है, मुझे क्या करना चाहिए बोल के उन ज़ॉम्बीज से बच के वो छत में आ जाता है। छत से उसे टूटती हुई एरोप्लेन दिखती है। हम भी देखते हैं कि पूरे सिटी को ज़ॉम्बीज ने डिस्ट्रॉय कर
दिया था और चारों तरफ जोम्बीज थे। अकीरा अपने मन में सोचने लगता है कि अब तो मुझे काम करना भी नहीं जाना पड़ेगा, बोल के मैं फ्री हूँ बताता है। वो यहाँ पे बहुत ही खुश था। वो भागते भागते अपने मन में सोचने लगता है कि आज मैंने इस दुनिया को देखा, नीला आसमान, हरे पेड़, लाल खून, और बताता है कि मैं तो भूल ही चुका था कि दुनिया कितनी कलरफुल है। फिर वो उन जोम्बी से दूर आके नीले आसमान को देखने लगता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, घूमना, मूवी देखना, स्काई डाइविंग, कुछ भी। फिर उसे ओतारो की याद आती है कि क्या वो ठीक है। फिर वो उसको अपने साइकिल को बहुत तेज दौड़ा के उसको लेने चला जाता है। यहाँ पे पूरा सिटी जोम्बी से भरा हुआ था। हकारी बचते बचाते ओतारो के बिल्डिंग में आ जाता है। वो अपने लैपटॉप से उसके रूम का पता लगाता है। वो उसका दरवाजा खोलने लगता है मगर वो रुक जाता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या सोचेगी कि उसका कोवर्कर उसके घर में आया। फिर वो इस बात को साइड में करके इमरजेंसी का वक्त है बोल के उसका बेल बजाता है, मगर यहाँ भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। तभी उसके सामने उसके बॉस दिखाई देते हैं। वो बॉस पूरा जोम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अकारी को भी अपने ऑफिस की पूरी गुस्सा उस पर निकालने का मौका मिल जाता है। वो उसे उस बिल्डिंग की खिड़की से नीचे गिरा देता है। तभी उसके पीछे से ओतारो आ जाती है और वो अब एक जोम्बीज बन गई थी। अकारी यहाँ रोने लग जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओतारो उसके प्यार का जवाब अपने हमले से देती है। अकारी अपने पहले पैर को गुड बाय बोल के वहां से भाग जाता है। रात को वो शॉपिंग स्टोर से एक सोडा पीने लग जाता है और बताता है कि मैं जो चीज करना चाहता था उसके लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं थी, अब मेरे पास टाइम है। वो एक पेन लेके एक बुक पे सो ऐसी चीजें जिसे मैं जोम्बीज होने से पहले करना चाहता हूँ लिख के ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।